देखिए सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद बॉलीवुड से काफ़ी सारे रिएक्शन आए। ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बॉलीवुड वाले लोग हैं, क्रिकेट के जो लोग हैं, सबके सब ने रिएक्ट किया। लेकिन साउथ इंडस्ट्री से ये चीज़ थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन अभी कुछ रिएक्शंस आए हैं अल्लू अर्जुन से, बाकी के साउथ के स्टार्स से। तो चलिए जानते हैं किसका क्या कहना है। देखिए सबसे पहले अगर एनटीआर की बात करूं तो एनटीआर ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन लद्दाख में हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं। जवानों से भरा ट्रक नदी में गिर गया, 27 जवान थे जिसमें 7 शहीद हो गए। तो इसके ऊपर एनटीआर ने अपना रिएक्शन दिया था, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर रामचंद्र की बात करें तो उनका कहना था कि मैं पंजाबी म्यूजिक इतना नहीं सुनता हूं, लेकिन मैंने सिद्धू मूसेवाला का नाम काफी लोगों से सुना है। भगवान उनके घर वालों को ताकत दे ये सब सहन करने के लिए, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इन सब में वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। एक चीज़ और सुनने में आई थी कि मनप्रीत औलख का इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, बट ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि इन्वॉल्वमेंट रही थी मनप्रीत औलख की भी। अल्लू अर्जुन का रिएक्शन भी काफ़ी इमोशनल रहा। उनका भी यही कहना था कि पंजाबी गाने में नहीं सुनता, बट मूसेवाला के जो गाने थे, जो म्यूज़िक थे, वो हर एक इंसान के लिए हीलिंग का काम करते थे। गाड़ी में हो, जिम में हो, घर पे हो, शूट के ऊपर हो, इनके गाने जहाँ जहाँ बजते हैं वहीं से आपके पास एनर्जी आती है। चाहे गाना समझ में आए ना आए, लेकिन म्यूजिक ऐसा रहता है कि जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देता है। आई होप जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएं और सिद्धू को जितना जल्दी हो सके जस्टिस मिले। दोस्तों ये तो फैक्ट है, सिद्धू के अगर आपने गाने सुने होंगे तो वो बहुत प्योर पंजाबी यूज़ करते थे, फोक पंजाबी गाने टाइप बनाते थे। एंड जिन लोगों को समझ नहीं आती थी पंजाबी, जिनको 1% भी पंजाबी समझ नहीं आती, वो लोग भी सिद्धू के गाने सुनते थे जस्ट बिकॉज द वाइब। इस बंदे की वाइब ही ऐसी थी कि हर एक इंसान में एनर्जी डाल दे। ही इज़ द वन JJB के बाद जिसने हार्डकोर पंजाबी रखी अपने गानों के अंदर, कोई भी फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं करी, बस कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, म्यूजिक इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज जब इनकी अंतिम यात्रा थी तो लाखों की तादाद में लोग इनके घर के पास पहुंच गए थे इनको आखिरी अलविदा देने के लिए। दिस इज़ द पावर ऑफ कंटेंट। बाकी अभी तक सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई है, काफ़ी नाम इस केस में नए जुड़ रहे हैं। अब जो भी हो यार, जितना जल्दी हो सके जस्टिस मिल जाना चाहिए। बाकी भी कोई अपडेट आती है तो आपको पहुँचाता हूँ जल्द से जल्द। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा। Thank you.